भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन शुक्रवार को एडिलेड में खेला गया। यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी पर शिकंजा कस दिया। पहले ही ओवर में फिंच को शून्य पर ईशांत शर्मा ने आउट करने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया पारी खामोश दिखी। हालांकि ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाबाद 61 रन की पारी खेली है, लेकिन बाकी कोई भी खिलाड़ी यहां प्रदर्शन नहीं कर सका। फिंच के आउट होने के बाद अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष क्रम को सस्ते में समेट दिया और चलता किया। अश्विन भारत के सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए। दूसरे दिन के मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया 191 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी है। तो वहीं अब कल यानी तीसरे दिन के मैच में ये देखना होगा कि भारतीय गेंदबाजी क्या आज की तरह कल भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पर हावी रहती है या नहीं। वहीं सबसे ज्यादा उम्मीद शमी पर होगी। आज शमी ने कुल 16 ओवर डाले, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो कल जब पहले भारत गेंदबाजी करने उतरेगा तो शमी अपना कमाल दिखा पाएंगे या नहीं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्या भारतीय गेंदबाजी आक्रमण 250 रन के पहले समेट लेती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेक से लव की रिपोर्ट।